गदर 2 की कमाई ने बॉलीवुड के होश उड़ा दिए हैं। जिस फिल्म को बॉलीवुड वाले फ्लॉप समझकर बैठे थे, अब वो 400 करोड़ कमाने के करीब पहुंच गई है। गदर की आंधी में करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। ये फिल्म गदर से महज 10-11 दिन पहले ही रिलीज हुई थी। 160 करोड़ में बनी करण जौहर की फिल्म 25 दिन बाद भी अपना पूरा बजट नहीं निकाल सकी है और 145 करोड़ पर लटकी हुई है। लेकिन अब इस बीच करण जौहर के मुंह से गदर के लिए वो शब्द निकले हैं जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया है। करण जौहर ने गदर 2 की तारीफ की है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में करण ने गदर की तारीफ करते हुए कहा, गदर ने सभी के होश उड़ा दिए थे क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म थी जो 2001 में बहुत सफल रही थी और अब 2023 में भी ये हर रिकॉर्ड तोड़ रही है। मैं सिंगल स्क्रीन के लिए बहुत खुश हूँ, वहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। करण जौहर ने आगे लोगों को भरोसा दिलाया कि उन्हें बॉलीवुड से अब ऐसी फिल्में ही मिलती रहेंगी। करण ने कहा कि पिछले दिनों जिन भी फिल्मों ने अच्छा परफॉर्म किया वो सभी बहुत ही स्ट्रांग क्वालिटी पर बेस्ड हैं और हर कोई ऐसी ही एंटरटेनिंग फिल्में बना रहा है जो उनकी संवेदनाओं को आकर्षित करती हैं। करण ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि फ्यूचर में ऐसा ही होने वाला है और हम और ज्यादा इस साल लहर पर सवार होंगे। करण जौहर ने अब तक गदर 2 पर चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन फिल्म की सफलता ने शायद उन्हें भी चौंका दिया है। अब तक ज्यादातर स्टार्स गदर 2 पर खामोश ही हैं। फिलहाल करण जौहर को समझ आ गया है कि अगर उन्हें अपनी अगली फिल्में चलानी है तो गदर जैसी फिल्मों की तारीफ करनी होगी। इससे पहले करण ने कश्मीर फाइल्स की भी तारीफ की थी। वेल, करण के इस व्यवहार पर आप क्या कहेंगे? करण की इस तारीफ पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।